वेलकम बैक माय चैनल एसआर आचार्य, आप लोग का स्वागत है। सो दोस्त, मैं आज आप लोग को बताऊंगी एटीएम का बारे में। हम अगर हम लोग का एटीएम कोई डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है, अगर हम लोग न्यू एटीएम हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग आसानी से नहीं मिलते, बहुत दिन हो जाते हैं लेकिन नहीं मिलता। हम लोग को भी पता नहीं होता है लेकिन कहाँ तक पहुँचा है क्या नहीं पहुँचा है, क्योंकि मेरा भी ऐसा कंडीशन हुआ है। तो मेरा एटीएम जो ख़राब हो गया था, तो बाद में हम बैंक में गए। बैंक में जाने के बाद मैनेजर को अच्छे से बोला, बोलने के बाद मेरा एटीएम ऐसे ऐसे कंडीशन हो गया। बाद में मैनेजर ने बोला तो न्यू अप्लाई कर लो बोल के, तो मैंने भी एटीएम तो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद बहुत दिन हो गया लेकिन नहीं मिला है। बाद में फिर गए एटीएम का बारे में जानकारी लेने के लिए बैंक में। तो बैंक में जाने के बाद मैनेजर को हम बोला ऐसे ऐसे कंडीशन हो गया, मेरा एटीएम अभी तक नहीं मिला है लेकिन एटीएम अप्लाई किया था, बहुत दिन हो गया। तो बाद में मेरा पासबुक का नंबर दिए, नंबर देने के बाद वो लोग चेक किया। चेक करने के बाद वहाँ से हमको एक नंबर दिए, आईडी नंबर दिए है मेरा एटीएम का। तो उसको फिर हम घर में आ गया। आने के बाद क्या किए नहीं किए तो आप लोग भी अच्छे से वीडियो को देखें। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक देने से आप लोग का पैसा नहीं जाता है और चैनल को सब्सक्राइब कर देने से भी आप लोग का पैसा नहीं जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो उसके लिए आप लोग कोई भी बाज़ार में जाइए, क्रोम बाज़ार हो या गूगल में जाइए। तो मैं जाऊँगी आपका गूगल में, गूगल में जाके आप लोग ये वाला चार्ज कीजिए इंडियन पोस्ट, ये वाला चार्ज कीजिए। चार्ज करने के बाद सबसे ऊपर में जो आपका वेबसाइट आता है ये वाला, इसमें टाइप कीजिए। इसमें टाइप करने के बाद यहाँ में आपको जो बैंक से आपको एक नंबर देता है जो आपका एटीएम का, तो वहाँ में ये वाला फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद तो क्योंकि भाई लोग सोचते हैं कि यहाँ में कौन सा नंबर टाइप करें, लेकिन ये जो जगह दिख रहा है आप लोग का ये वाला जगह, तो इसमें आपको नंबर टाइप करना है। क्योंकि भाई लोग यहाँ में जो नंबर दिखाता है, देखिए यहाँ में दिखा रहे 5-0, तो ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं लेकिन नहीं आता है, शो नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ में दिया है 5-0 लेकिन 5 से तो 0 नहीं जाते हैं, यहाँ में होता है होगा तो 5 होगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, 5 डाल दीजिए। अगर कोई आपको यहाँ वाला यहाँ में आपका नंबर दिखाते हैं तो 5-2 दिखाते हैं, तो 5 से आपका 2 चला जाने से 3 होता है, तो 3 डाल के चार्ज में क्लिक कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। अगर यहाँ में 5+4 दिखाते हैं तो 5 और 4 से कितना होता है, तो जुक करके तो जितना नंबर निकलता है यहाँ में टाइप करके चांस में चला जाए हो जाएगा। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूँगी। देखिए यहाँ में आपको दिया है 5-0 लेकिन 5 से तो 0 नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ में टाइप करूँगी 5। तो 5 टाइप करने के बाद मैं चांस में क्लिक कर दिया। आई एम रियली सॉरी दोस्त, क्योंकि देखिए यहाँ में नेटवर्क का वजह से ये नहीं निकले। तो अगर नहीं निकलते तो आपको तीर का जो आइकन दिखा रहा है ना, इसमें थोड़ा टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद तो फिर से आपका नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ में दिया है फिर 5-2, तो 5-2 चला जाने से आपका कितना होता है, 3 होता है, ठीक है नहीं हुए दोस्त। तो यहाँ में 3 होते तो हम फिर 3 टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फिर चार्ज में क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए दोस्त, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो दोस्त आप लोग देख सकते हैं ये आपका लाइव प्रूफ है, आप लोग को दिखे मेरा ये निकल गया है। तो निकल गया, तो ये देख सकते हैं हमने 9 तारीख को अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद तो 9 तारीख को मेरा आइटम वहाँ में शो हुआ है। शो होने के बाद दिखे मेरा कहाँ कहाँ में रिसीव हुआ है, कहाँ से चला गया है, फिर से रिसीव हुआ है। तो ये देख सकते हैं 14 तारीख को फिर से आपको गुवाहाटी से रिसीव किया है मेरा ये जो। तो फिर आपको ये देख लीजिए, तो फिर 17 तारीख को तेजपुर में मेरा आइटम जो वहाँ में था,
तो लेकिन अभी तक तेजपुर से मेरा आइटम जो रिसीव नहीं हुआ है, तो मेरा आइटम जो रिसीव होने के बाद तो लालूक जो पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ में आएगा। आने के बाद पोस्ट ऑफिस का जो प्यून होता है तो वो हमको घर में ला के देगा। तो वीडियो का कैसा लगा भाई आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।